गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं यहाँ रख देती हूँ मोबाइल को, पहले थोड़ा ऊपर कर लूँ, ऐसे अब सही है। तो आज है संडे और मैं अभी लगाने जा रही लिपस्टिक। मैं नहा के तैयार भी हूँ, बाल भी धुले थे, सूख भी गए हैं, टॉवल ड्राई ही करती हूँ मैं, बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और बस अब मैं लिपस्टिक लगा लूँ। ये एलिटीन की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, इसका टेक्सचर भी अच्छा लगता है। एलिटीन की लिपस्टिक मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब मेरी शादी के जस्ट दूसरे शादी के बाद मैंने जब मतलब पहली बार लिपस्टिक खरीदी तो मैंने एलिटीन की ही खरीदी थी। बहुत अच्छी है। थोड़ी लाइट ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छी है ये लिपस्टिक। ढक्कन कहाँ गया? अभी भी मैंने ना नाश्ता वगैरह बना लिया है, बाल गीले थे तो टॉवल वगैरह लगाई थी उसमें, तो मैंने सूट नहीं किया, तो मैं उसका नाश्ता बन जाए बना लूँ, उसके बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ ना तो सही रहेगा, और देखती हूँ होगी तैयार बिल्कुल। तो आज नाश्ते में मैंने क्या बनाया, चलो दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने आज नाश्ते में बनाया हुआ है ये काले वाले चने, जो कि मैंने फ्राई कर लिए हैं, और साथ में ये ब्रेड सेक दिए हैं बटर से इनके लिए दो, और ये चाय है जो बन चुकी है, मैं भी लूँगी, बच्चे भी लेंगे, और ये दवाई की गोलियाँ, ये दवाई आधे के पापा की हैं, मेरे हस्बैंड की, और हेपेटाइटिस सी की है। वैसे इनकी जो पैसे हैं, इसके जो प्राइस हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन देखी थी, इस दवाई का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। फ़िलहाल ये सरकारी दवाई है जो कि लखनऊ के KGMU से लेकर आए हैं। अब ये 1 मंथ का कोर्स करना है, मुझे भी नहीं भूलना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कहीं पे लिख के रख दूँ, टांग दूँ, कि रोज़ नाश्ते में इनको दवाई देनी है। चलो इनको नाश्ता दे के आते हैं। सो फाइनली इनकी दवाइयाँ चलने लगी हैं, अब मुझे प्रॉपर ध्यान रखना है, सुबह नाश्ते में ज़रूर देना है। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े पहले ही प्रेस करके रख लिए थे, यानी कल कुछ परसों 2 दिन में मैंने कुछ कपड़े प्रेस किए थे, जिनको मैं अलमारी में रखने जा रही हूँ। दक्ष मुझसे कह रहा है मुझे गोद में ले लो, इसका ऐसा ही रहता है, जैसे ही मैं कुछ काम करने लगती हूँ ना, इसको ये लगता है कि आप मुझे गोद में ले लो। तो बस थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे और सब्जी वगैरह लेकर आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्जी परवल आलू परवल लेकर आए, तो परवल वगैरह ये सब चीज़ें बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और आलू उबले रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आलू फ्राई वाली जो सब्ज़ी होती ना, जो सफ़र में हम जाते हैं जब लेके जाते हैं फ्राई आलू सब्ज़ी पूरी, कुछ वो बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है। तो ये शिकायत कर रहा है पापा से अपने, फिर मैंने इसे दूध की बोतल ला के दी है, अभी वो दूध की बोतल 2 टाइम पीता है, सुबह और रात को, बस उसके ज़्यादा नहीं। मैं इससे भी कोशिश की थी कि ये बोतल छोड़ के ग्लास से पिए, ये पी लेता है, लेकिन आध्या ने दूध जब से बोतल बंद की थी, करीबन आध्या अध्यक्ष का जन्म हुआ तब आध्या ने बोतल बंद कर दी थी, और जब आध्या ने बोतल बंद की तब से वो दूध ना आनाकानी करके पीती है, कभी पीती कभी नहीं पीती है, तो अध्यक्ष देख कर ही सीखता है, अगर दीदी उसकी ग्लास में दूध पिएगी ना तो वो भी पीने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आलू को फोड़ रही हूँ, और बाकी का ये हरा धनिया रख लिया है, बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी, एक तो बहुत ज़्यादा महंगा है हरा धनिया, टमाटर, अदरक गायब भी हो गया है, बिना अदरक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ अदरक मिल रहा है कि नहीं, और अगर मिल रहा है तो क्या भाव मिल रहा है, टमाटर के क्या प्राइस हैं, धनिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बहुत थोड़ा मिला है धनिया, और उसको मैं 2-3 दिन चला लूँगी बचा बचा कर। तो साथ में मैं रायता बना दे रही हूँ बूंदी का, दही मंगा लिया था मैंने, और इधर मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। जो ये आलू होते हैं ना सफ़र वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा ही अच्छे लगते हैं, कहीं पिकनिक पे जाओ तो ये आलू लेके जाओ, कहीं सफ़र पे जाओ तो ये आलू लेके जाओ, घर में कुछ भी बनाने का मन ना हो तो इसे बना लो, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो जैसे कि दाल चावल रोटी ये खाना सबसे अच्छा लगता है ना सादा सा, वैसे ही नाश्ते के टाइम पे आप हैवी नाश्ता करना चाहते हो तो ये आलू फ्राई और पूरी बना लो, बहुत यम्मी लगता है। इसको मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और हींग डाल कर चटका लिया है, फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें मिला दी हैं, थोड़ा सा मिक्स किया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा खट्टापन लाने के लिए, और बस इसको मिक्स कर देंगे। साथ हरी धनिया हरी मिर्ची भी डाली है, और बाकी का ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, बहुत ही यम्मी लगता है। आपके पास मटर हो तो मटर डाल लो,
टमाटर डाल लो, जो भी चाहो डाल लो, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैं करारी सी पूरी सेक ले रही हूँ, तो बस फटाफट से गर्मा गर्म पूरी और ये सफ़र वाले आलू। किस किस को अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आज मैंने ये बना लिया है और फिर मैंने सबसे पहले आध्या की थाली लगा दी है, आधे आधा दोनों एक साथ बैठ के खा लेंगे। तो मैंने आलू फ्राई लगाया है, रायता रख दिया, पूरी रख दी है, आम के स्लाइसेस कट करके रख दिए हैं, बाद में और दे दूंगी। तो वह इतना मैंने आध्या और दक्ष के लिए लगा दिया है, तो दक्ष भी यही खड़ा हुआ है, तो मैं बोल रही चलो मैं तुम्हारे लिए ले कर चलती हूँ, तो वहीं पर देख के आती हूँ। तो ये देखो दक्ष भाग के गया है कि मेरे लिए खाना आ रहा है। उसके बाद फिर मैं सीधे आपको शाम को मिलती हूँ, क्योंकि फिर मैं चली गई थी दोपहर सो गई, शाम को गई थी थ्रेडिंग कराने। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं ये कपड़े पहन के गई थी थ्रेडिंग कराने। देखो मेरी थ्रेडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब थ्रेडिंग कराते हैं। तो ये कपड़े मैं तय लगा के रखूँगी और बेडरूम ठीक करना है। देखो ये अभी शाम को हल्की सी धूप निकली थी, तो मुझे लगा कि इन गद्दों को पर धूप लगवाना चाहिए, तो मैंने धूप लगाने के लिए डाल दिए थे हल्के से, तो अभी ठीक लग रहा है। तो मैं इनको ठीक करके इस पर बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। ये कपड़े पहले तय लगा के रख दूँ, फिर मुझे राशन भरना है। राशन आ गया है, थोड़ा सा ही है, जो कि ऐसे ही मंगा लिया जो ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो इसलिए प्रॉपर सामान नहीं मंगाया है। अब ऐसे भी हमारा जो राशन है वो दो भागों में टाइप का आता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आ ही चुका था, ऑफलाइन भी आ गया है, थोड़ा मोड़ा जो भी मंगाना था तो वो भरूँगी जाके। पहले ये कपड़े तय लगा के रख देती हूँ, ठीक है। ये हो गए हैं तय, इनको रख देती हूँ अलमारी में, फिर करूँ किचन में जाके काम। अब कल से शुरू हो रहे हैं इनके स्कूल, तो कल से रूटीन चालू हो गई, छुट्टियां ख़त्म। ये देखो मैंने रख दिया, लगा दिया, कितना भी अलमारी ठीक कर लो सजा दजा के वो ऐसे ही हो जाती है ख़राब। मुझे कुछ काम है, कुछ निकालना है इससे, तो मैं वो बैठ के पहले निकाल लेती हूँ, फिर जाऊँगी किचन में। अब देखो मेरी थ्रेडिंग कैसी हुई है, देखो पता नहीं चलता थ्रेडिंग हुई भी है कि नहीं, अच्छी नहीं। ऐसा तो पहले बहुत अच्छी थी मेरी थ्रेडिंग, अब आज ये देखो ये सारे कपड़े देखो मैंने नए वाले प्रेस से प्रेस किए, गुड़िया फट गई है, ये दक्ष और आध्या के काम है। ये देखो इतने सारे कपड़े भी लगा देती हूँ साथ ही साथ, बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए जो मैंने प्रेस कर दिए, अब एक भी नहीं बचे हैं। मुझे भी लग रहा था कि इनके स्कूल शुरू होने से पहले इनके सारे कपड़े, अपने भी सारे कपड़े कर लूँ तो ही सही रहेगा। ये हो गए हैं, अब ये है कि अब ये स्कूल सुकून से जा सकते हैं, फिर ये कि होते रहेंगे तो फिर करती रहूँगी। हाँ ये देखो चिमटी ये किसने लगाई है, पापा, किस तरह पापा लगाई है, पापा गन्ने नहीं होते हैं, पापा अच्छे होते हैं, पापा ऐसे अच्छे हैं पापा, गन्ने ऐसे हैं। अच्छा ठीक, मैंने हटा दिए, ठीक है पापा को दिखाओ, सबको हेलो बोल दो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हेलो, अच्छे से बोलते हेलो, बोलो हेलो, अच्छा एक बार फिर से ऐसा ही बोलता है ये हेलो बस बोलो कैसे हो, ऐसे नहीं बोलो कैसे हो मेरा बच्चा जाओ। हाँ सबने सुन लिया हेलो, अब जाओ। ये क्या है, काया, अब रख के आ जाओ, ये पापा को दे देने लो, पापा ऐसे हो, आप भी करके आओ जल्दी से पापा को क्या। आप लोगों को मैं बता दूँ ये राशन है, इसको मैं फिल कर रही हूँ, साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, किसने धोखा दिया, क्या हुआ है, क्या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप में से किसी एक का कमेंट्स आया था मुझे, और फिर मैंने भी जाकर देखा, या मतलब मैंने भी वो चीज़ें पढ़ी, मेरे लिए बहुत निगेटिव लिखा गया था, जिसको किसी ने उसका सपोर्ट किया है और मुझे बहुत बुरा लगा है। और ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती थी, इसलिए मैं रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों पर रिएक्ट करने से रिश्ते ख़राब होते हैं, रिलेशन ख़राब होते हैं। लेकिन अब मुझे कुछ
मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे अपनी तरह से पर्सनल सिर्फ मैं ओनली मैं रिलेशन नहीं रख रही हूँ, मैं कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हार्ड थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि जब मतलब ही नहीं रखना है तो अब उस चीज़ को लेकर क्या रोना। तो बस यहीं से मैं बात को ख़त्म कर रही हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी इस टॉपिक पर आप मत बात कीजिएगा। जो था, जो लोगों जिसने कमेंट किया था मुझे, उसको मैंने उनको ही मैंने बताना ज़रूरी समझा। और मुझे ये मालूम है मेरी व्यूवर्स एक बहुत ही अच्छी व्यूवर्स हैं, एक जो जब भी मेरे लिए किसी के वीडियोस में कहीं पे भी मेरे लिए बैड कमेंट्स देखती है तो उसके लिए फ़ाइट भी करती हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी, अपना समय भी बर्बाद मत करो, अपना वहाँ पर समय दो ही नहीं, आप ध्यान ही मत दो। जो चीज़ें चल रही हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, उस चीज़ों को छोड़ दो। तो बस यही है, बाकी का ये मेरा राशन का सामान है, ये दालें वगैरह मंगाई थी, साबुन मंगाए हुए थे, विम मंगाया बर्तन धुलने वाला, चाट मसाला मंगा लिया, काला नमक मंगा लिया, अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी, ये माकी दाल बोलते हैं काली वाली जिसको दाल मखनी बनाऊंगी, राजमा है, ये सारी चीज़ें हैं, हल्दी की गाँठे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हुई हैं इस बार। तो मेरे से राशन भी आप लोगों को दिखा दूँ, नमक का पैकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख तो रहे हो आप लोग, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी का मैं यही कहूँगी कि जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही मतलब और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो खाली दिमाग कहीं मत दौड़ाओ, अच्छे से इंजॉय करो अपनी लाइफ को। और मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।